एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। तो अभी जो है शाम का 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है। असल में क्या हुआ था, मुझे डेली फीवर आ रहा था, वो वैसे ही आ रहा था क्योंकि मैं ना थोड़ी केयरलेस हूँ, मुझे जो है कूलर चला के सोने की आदत है और आपको पता ही है कि मौसम कैसा चल रहा है, तो इसी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बहुत बार पूछते थे ना, इसलिए मैंने बता दिया है। तो अब जो है व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज जो है शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं बना रही हूँ प्याज के पकोड़े, मान लीजिए भजियाँ, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, इन्हें हर कई तरीकों के नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज काट ली है, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज जो है मैंने लंबे लंबे काटे हुए हैं, कसम से बहुत टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत यम्मी है। घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और सागर है और सुनीता है और उसका लड़का है। मम्मी और पापा जो है मार्केट गए हुए हैं, कुछ सामान लेने के लिए गए हैं, वो भी सामान मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी कि वो क्या सामान लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है एक कढ़ाई पे जो तेल चढ़ा दिया है और इसमें जो है मैं मसाले मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि शाम की चाय के साथ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है हरा धनिया डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च डाल दिए हैं, धनिया पाउडर डाल दिया है और मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, बहुत टेस्ट आता है। और आप जब भी कोई पकौड़े बनाना थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डालें, बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे अजवाइन की महक पसंद है या कैसे भी है, मुझे टेस्ट बढ़ जाता है मेरा। तो यहाँ पे मैंने जो है 3 बड़े चम्मच जो है इसमें मैंने बेसन डाल दिया है। अगर आप लोगों को थोड़े क्रिस्पी चाहिए, मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, तो यहाँ पे ना 2 चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप जब तक इसे मसलते रहें, जब तक इसके अच्छे से लड्डू बनके तैयार ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बिना अच्छे मसे मसले इन्हें कढ़ाई में छोड़ देंगे ना तो वो फूट जाएंगे और प्याज जो है वो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसे जो है अच्छे से मतने के बाद इसके बारीक बारीक से लड्डू बना लीजिए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो इसी तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँगी। सारे प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी ना एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है बरसात का जो है मौसम हो रहा है, तो ऐसे मौसम में मन करता है ना कुछ अच्छा सा खाने का, तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप खुद देख लीजिए कितने ज़्यादा यमी लग रहे हैं देखने में, जितने यमी ये देखने में लग रहे हैं उतने ही यमी ये खाने में थे, बहुत टेस्टी बने हुए थे। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना और आप लोग भी खा लीजिए। अगर मेरे बस में होता आप लोगों को खवाना तो ज़रूर खवाती, अगर कभी मिले मुलाकात हुई तो ज़रूर आप लोगों को भी बनाकर खुद खवाऊंगी। अच्छे बने या बुरे वो आप लोग बताना। बर्थडे पर आना पड़ेगा, आएगा बाइक क्या ले रहा है, साइकिल लेने के लिए आएगा, कैसा नाम है, साइकिल लेने के लिए होटल में खाना खाने चलेगा ना, ना? चलूंगा चलूंगा चलूंगा, पहले यहाँ आके खाए तो बोल, यहाँ जब तो मिलेगी साइकिल, हाय करते एक बार, हाय कर दे ना, टाटा नहीं करना, हाय करना है। अब यू क्या जाना है, बाय 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 बाय, टाटा टाटा, ट्राइपॉड ले, मैं ले ट्राइपॉड देख के दबा के जाएगा, जो उठा ना Yeah.
आप लोगों को जो है अभी मैं सागर का गिफ्ट दिखाती हूँ कि सागर ने मुझे रक्षाबंधन पे क्या दिया। बहुत रिक्वेस्ट है, मतलब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा सारी रिक्वेस्ट है कि उसने मुझे रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट किया है, तो मैं भी जो है आप लोग को दिखाऊंगी। मैं ट्राइपॉड पे फोन लगा लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। बता चलेगा? पकड़ लिया मैंने। हाय हाय सचिन, बर्थडे पे चलेगा? दोनों बर्थडे बनाएंगे, तू भी मैं भी, क्योंकि मेरा बर्थडे भी जो है 10 अक्टूबर को है और इसका जन्मदिन भी जो है 10 अक्टूबर का। तो मुझसे बोल रहा है कि दीदा मुझे साइकिल चाहिए और क्या चाहिए, होटल पर खाना खाने जाना, तो चलेंगे बर्थडे पार्टी। ठीक है, चिज्जा दिवाली है, चिज्जी भी दिवाएंगे। ओके ओके डन भाग। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सुनीता कौन है। सुनीता जो है हमारी हाउस हेल्पर है और पहले ये मतलब रेगुलर थी, लेकिन ये जो है हमारा जो मोदी नगर वाला घर है वहाँ पे जो है ये काम करती थी, अब नहीं करती है। बाहर की है, लखनऊ के तरफ किसी गांव की है ये, लेकिन ये यहाँ पे रहती है। तो कभी कभार जो है घर पे रहने के लिए आ जाती है 15-20 दिन के लिए, मतलब साल 6 महीने में जो है 1-2 बार ये आ जाती है, और इसका अटैचमेंट जो है मम्मी से कुछ ज़्यादा ही है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे सागर ने क्या गिफ्ट दिया है बेचारे ने। मतलब आ गया था जन्माष्टमी से पहले ही आ गया था, लेकिन मैं जो है आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पे जो है एक बहुत प्यारा सा जो है ये प्लो है, इस पे लिखा हुआ है दीदी आई लव यू फॉर एवर। तो ये जो है इसने मुझे दिया था, ये तीन चीज में साथ में थी, एक प्लो है, एक गले के लिए पेंडेंट है और एक था ये मग। इस पे भी जो यही लिखा हुआ है, कैमरे में जो उल्टा दिखा रहा है, दीदी लव यू फॉर एवर, ये वाला मग है। तो इसने मुझे जो है रक्षाबंधन पे ये गिफ्ट किया था जो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब पहली बार इसने इतना सर्च किया, वरना हमेशा ये क्या खरीदता है मेरे लिए, हमेशा ये मेरे लिए कपड़े ही खरीदता है। जाएगा कि मुझे कपड़े पसंद है तो हमेशा कपड़े ही खरीदेगा और मुझे दे देगा, लेकिन इस बार जो है इसने मुझे बड़ा डिफरेंट गिफ्ट दिया, तो मुझे ये बहुत पसंद आया कि भाई इसने अपना दिमाग तो लगाया इतना ज़्यादा। गले का पता नहीं कहाँ गया, मैंने वो पहना हुआ था, शायद मैंने कहीं रख दिया है, जब वो मिलेगा तो कभी दिखा दूंगी आपको। तो ये थ्री चीज थी, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही था कि मैंने उसी दिन ही लगा दिया था जिस दिन जो है मुझे मिला था। शाम ऐसा हुआ था कि मैंने आप लोगों से बोला ही था कि मम्मी पापा जो है यहाँ पे नहीं है, वो लोग जो है मार्केट गए थे, और शाम की चाय मैं बना ही रही थी उसी टाइम पे जो है मम्मी पापा आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आए हैं। असल में क्या है, मम्मी की ना गर्दन में दर्द रहता है, तो वो ना हमेशा से ही, मतलब शायद मैं 4th या 3rd क्लास में थी तभी से वो दवाइयाँ खाती हैं। अगर वो दवाइयाँ नहीं खाती ना तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वीक में एक बार वो मार्केट ज़रूर जाती हैं डॉक्टर के पास। तो उसी दिन ही जो है मम्मी काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आ जाती है। तो यहाँ पे जो है मम्मी कुछ कपड़े लेके आई हैं सुनीता के लिए और उसके लड़के के लिए, दोनों के लिए जो है कपड़े लेके आई हैं, क्योंकि फिर वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि वो जन्माष्टमी से रक्षाबंधन के 1-2 दिन बाद ही आ गए थे, तो जो है वो अब कुछ दिन बाद जो है चले जाएंगे, फिर मम्मी का मार्केट जाना हो या ना हो, तो इसीलिए मम्मी जो है उन लोगों के लिए कपड़े लेके आई हैं। तो यहाँ पे ये सूट लेके आई, मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये काफ़ी अच्छा प्रिंट है, और इसी प्रिंट में ही मम्मी मेरे लिए नेक्स्ट बार जब बाजार जाएंगी तब येलो कलर का मेरे लिए भी लेके आएंगी, बोला है उन्होंने, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिंक कलर से ना मुझे अब चिड़ सी हो गई है, जब से मेरे रूम में हुआ है ना पिंक कलर और रेड कलर, तब से मुझे पिंक और रेड से बड़ी चिड़ सी हो गई है। यहाँ पे जो है ये सचिन का नाम जो है दूसरा अंशु भी है, तो यहाँ पे जो है ये सचिन के लिए जो कपड़े लेके आई थी, एक जो है जीन्स थी और एक जो है शॉर्ट नेकर था। जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों को भी ना बड़ी आफत होती थी, मतलब कुछ भी कपड़े आए सबसे पहले हमें ही पहनने हैं, मतलब मुझे तो था, तो आज भी है, अगर मेरे लिए कोई कपड़े आ रहे हैं ना तो मुझे वे पहन के देख रहे हैं तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती है, जब तक मैं उन्हें पहन ना लूंगी ना तब तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। तो वही हाल में इसका देख रही थी, इसके कपड़े आए थे, इतना खुश था और बार बार पहन के देख रहा था। सागर ने वैसे ही मजाक में बोल दिया कि मुझे दे दे, बिल्कुल भी नहीं दिया। और आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, जो मेरा दूसरे वाला चैनल है जिसका नाम था ग्लैम अप, वो जो है ना मैंने ना चेंज कर दिया है उसका नाम, क्योंकि वो सर्चिंग में नहीं
नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसका नाम कर दिया है ग्लैम गर्ल अंशु। तो आप लोग ज़रूर सर्च करके देखना और मुझे बताना सर्चिंग में आ रहा है या नहीं। तो रात का खाना जो है तैयार हो गया है। रात के खाने में है राजमा चावल और रोटी, आप लोग भी खा लीजिए। वैसे मैं रोटी नहीं खाने वाली हूँ, इन्हें वापस भेजूंगी क्योंकि मुझे चावल ही चल जाते हैं, मुझे रोटी नहीं चाहिए होती है फिर चावलों के साथ। बालों को खोल लिया क्योंकि पूरे दिन ना बाल जब बंधे रहते हैं तो मेरे ना सिर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मैंने बहुत बार बताया हुआ है मेरे बाल, मेरे ना बहुत कमज़ोर से बाल हो जाते हैं, बहुत सिर दुखने लग जाता है, मेरा सिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसी वजह से तो मैंने अपने बालों को खोल लिया है। नहाने का सोच रही थी क्योंकि मुझे रात को बिना नहाई नींद नहीं आती है, मैं हमेशा नहा के ही सोती हूँ। लेकिन मुझे वैसे भी आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था ना कि मुझे डेली फीवर चढ़ता है, तो अगर मैं नहा गई तो फिर से तबीयत खराब हो जाएगी, फिर से बुखार जो है मुझे चढ़ना चालू हो जाएगा। तो मैं नहीं नहा रही हूँ, सिर्फ जो है अपने एक बार जो है अच्छे से हाथ पैर को वॉश करके आ जाऊंगी, अच्छे से धो के आ जाऊंगी क्योंकि मुझे चिपचिपा पता। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रही थी, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताई थी, ये ना वाइट वाइट से यहाँ पे दाना हो जाता है। पहले मेरे एक बार यहाँ पे हो गया था, अब के इस बार मेरे यहाँ पे हो गया है। मतलब ये कुछ टाइम के लिए आ जाता है, अब कम से कम ये 2-3 महीने यहाँ पे रहेगा, फिर ये एकदम से गायब हो जाएगा, फिर 1-1.5 साल के बाद फिर दोबारा से आएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। मुझे लगता है शायद जो सबके साथ होता है, ये हमेशा ही सबके साथ होता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दिया करो। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे जो इस पर वीडियो अपलोड करने लगी हूँ मैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और एक चीज़ और बता देती हूँ, इस जो मेरा इनर ब्लॉगर अंशु है इस पर वीडियो आती है 11:30 बजे, कम ही आती है लेकिन 11:30 बजे आती है। और जो दूसरे वाला चैनल है उस पर वीडियो आती है सुबह के 10-10:30 बजे के आसपास आती हैं, तो ज़रूर देख लिया कीजिए। तो मैंने ना उसका नाम भी चेंज कर दिया, पहले उसका नाम था ग्लैम अप, करने से वो सर्चिंग में नहीं आ रहा था, अब मैंने उसका नाम चेंज कर दिया ग्लैम गर्ल अंशु। तो अगर आप ग्लैम गर्ल अंशु सर्च करेंगे तो चैनल निकल के आ जाएगा, ग्लैम अप करके वो सर्च में नहीं आ रहा था, और बहुत सारे चैनल निकल के आ रहे थे, ग्लैम अप करके नहीं निकल के आ रहा था। तो इसलिए मैंने न्यू नेम रख दिया है ग्लैम गर्ल अंशु। कैसा नाम लगा है ये भी मुझे जरूर बता देना। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।